एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी। मैं मेकअप वीडियोस, डीआईवाई वीडियोस, रिव्यू वीडियोस और फैशन वीडियोस अपलोड करती हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक वेरी इजी सिंपल मेकअप, आई मेकअप ट्यूटोरियल। तो अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं या फिर आपके पास उतना ज्यादा मेकअप आइटम्स नहीं है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आई मेकअप ट्यूटोरियल में बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट्स यूज होंगे और ये आप अचीव कर सकते हैं 2 मिनट्स के अंदर। और ये ग्लैम्ड अप लुक है, जिसे आप किसी भी आउटिंग में कैरी कर सकते हैं, किसी भी पार्टी में कैरी कर सकते हैं, या फिर वेडिंग फंक्शन में भी आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट के बिना मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस आई मेकअप लुक के लिए आपको चाहिए एक आई शैडो पैलेट। मेरे पास यहाँ पर LA कलर्स का आई शैडो पैलेट है, जिसमें आपको न्यूट्रल शेड्स चाहिए, लाइक डार्क ब्लू या डार्क ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन शेड्स होना चाहिए। तो किसी भी पैलेट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं LA कलर्स का आई शैडो पैलेट इस्तेमाल करूंगी। एंड नेक्स्ट आपको एक डार्क ब्लैक काजल चाहिए, जो किसी भी लड़के के पास यूजुअली होता है। मैं यहाँ पर मेबेलिन कोलोसल काजल का इस्तेमाल करूंगी। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये स्मच प्रूफ है। और आप किसी भी दूसरे काजल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक NYB का ये कोल स्टिक बहुत ही अच्छा है, बहुत क्रीमी है। नेक्स्ट आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रशेस, एक है स्मजर ब्रश। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इजीली अपने फिंगर की मदद से भी स्मज कर सकते हैं। एंड दूसरा है ब्लेंडिंग ब्रश, ये आपको चाहिए। आप ब्लेंडिंग हाथ से नहीं कर सकते, सो आपको एक ब्लेंडिंग ब्रश या फिर इसी तरीके का कुछ फ्लफी ब्रश चाहिए, जिससे आप आई शेडो को इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका जो काजल है वो स्मज ना हो। सबसे पहले मैंने अपने आईलिड पर कंसीलर अप्लाई करके लूज पाउडर से सेट कर लिया है। फिर मैं अपने अपर लैश लाइन पर काजल अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद मैं एक स्मजर ब्रश की मदद से उसे अच्छे से स्मज कर दूंगी। इनर और आउटर कॉर्नर्स पर उतना ज्यादा मैं स्मज नहीं करूंगी, मैं अपने आईलिड के जो सेंटर पोर्शन है वहां पर ज्यादा मैं फोकस करूंगी, ताकि वहां पर काजल अच्छे से स्मज हो पाए। फिर मैंने एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, और उससे मैं एक ब्लूइश ब्लैक कलर का आई शेडो लेकर मैं इस काजल के ऊपर अप्लाई करूंगी, ताकि कलर डिफ्यूज हो जाए और काजल एकदम स्मज प्रूफ बन जाए। फिर मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर लिया है, ताकि एक ट्रांजिशन क्रिएट हो पाए, और ऐसे ट्रांजिशन स्मोकी आई के लिए बेस्ट होता है। और मैं इस ब्राउन कलर को अपने होल आईलिड पर अप्लाई करूंगी, फोकस करूंगी मैं अपने आउटर कॉर्नर्स पर। उसके बाद कलर थोड़ा सा डिफ्यूज हो गया था ज्यादा, तो इसीलिए मैंने ब्लैक कलर का काजल अपने अपर लैश लाइन पर फिर से अप्लाई कर लिया है। एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं फिर से उसे स्मज कर दूंगी। एंड लोअर लैश लाइन पर मैं काजल अप्लाई करके आई शेडो से मैं उसे थोड़ा सा स्मज कर दूंगी। अपने इनर कॉर्नर्स पर मैंने एक हाईलाइटिंग शेड अप्लाई किया है, और अपने ब्राउ बोन्स पर ही उसी शेड को मैं अप्लाई करके हाईलाइट करूंगी। उसके बाद मैंने मेबेलिन का मस्कारा अप्लाई किया है, एंड दिस कंप्लीट्स माई लुक। कैसा लगा मेरा ये सिंपल आई मेकअप लुक? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने इस लुक को ट्राई किया तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको इस लुक को ट्राई करने में कितना टाइम लगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कीजिए। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल एंड बाय बाय।